2562वीं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 127वीं जयंती पर बधाई देता हूँ। और मेरा मन इस बात को देख के खुश है कि पहले जब इस तरह के प्रोग्राम पीछे होते थे तो हमारे लोग घरों में से बाहर निकल के नहीं आते थे, चंद लोग होते थे, कुर्सियां खाली होती थी। लेकिन पिछले अगर मैं करीब 30 साल पीछे जाऊं, उस वक्त एक जोश था पूरे समाज के अंदर, समाज के आंदोलन को लड़ने का, समाज के हक के लिए लड़ने का एक जोश था। 15 साल की उम्र में जब हम बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट से जुड़े और हमने रात दिन मेहनत की, गोंडा गांव में डॉक्टर अम्बेडकर जागृति संघ बना के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद मुक्ति से जुड़े कॉलेज में बहुत सारे प्रदर्शन किए समाज के हक को लेके, फिर बाबा साहेब के बनाए समता सरी दल से जुड़े, तो पिछले कुछ साल पहले हमारा मन इस बात को लेकर दुख होता था कि हम लोग 15 साल की उम्र से जुड़े और लगभग 45 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हालत ये हो गई कि हमारे बाद एक ऐसा लंबा गैप आया कि युवा नहीं जुड़ रहे थे मिशन से। लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर ये देखने में आया कि बड़ी तेज गति से हमारे समाज के युवा मिशन मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। और बिना जुड़े काम भी चलने वाला नहीं है। बच्चों थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, आप चाहें तो मेरा टाइम निर्धारित कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, जितना आप कहेंगे उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन समाज के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, समाज के दुख दर्द पर चर्चा करनी पड़ेगी, हम लोग क्या थे और क्या हो गए इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। जो लोग अपने समाज का इतिहास नहीं जानते वो लोग कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। जो घर से बाहर नहीं निकलते, समाज में उठते बैठते नहीं है, किताबों को पढ़ते नहीं है, उनको कैसे पता लगेगा कि हमारे समाज का गौरव क्या था? उनको कैसे पता लगेगा कि हम लोग इस देश के मूल निवासी थे, इस देश में जो भी कुछ है वो सब हमारा था, सब कुछ हमारा छीना, लगभग 4000 साल पहले गुलाम हमको बनाया गया और हालत ये कर दी कि धर्मशास्त्रों में एक ऐसी चीज डाल दी, धर्मशास्त्रों में एक ऐसी बात लिख दी कि जो लोग अछूत हैं, शूद्र हैं, उनको ज्ञान अर्जित करने का और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना ही काबिल क्यों ना हो, अगर उसके समाज से पढ़ने लिखने का हक छीन लिया जाए, अगर उसको उसकी सारे संपत्ति छीन ली जाए और संपत्ति अर्जित करने पर बंदिश लगा दी जाए, उससे 18-18 घंटे काम लिया जाए और काम के बदले में पैसा ना दिया जाए बल्कि बदले में खाना दिया जाए और वो भी केवल एक टाइम बचा हुआ खाना, उसको वो भी भरपेट ना दिया जाए, तो जब ना तो ज्ञान मिलेगा ना भरपेट खाना मिलेगा और ना काम के बदले में पैसे मिलेंगे, और ये स्थिति 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 1000-2000 साल भी नहीं, लगातार लगभग 4000 साल तक अगर ये स्थिति चले तो जरा सोच के देखिए उस समाज की स्थिति का क्या होगा। क्या वो समाज तरक्की कर पाएगा? क्या वो समाज अपना हक ले पाएगा? कौन करेगा इस पर चर्चा? जब हम लोग बैठेंगे नहीं, समाज के दुख दर्द पर चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले बच्चों को पता कैसे लगेगा कि हमारी स्थिति क्या थी?
हजारों साल पहले हमें गुलाम बनाया, सब कुछ छीन लिया और उसके बाद हजारों साल की गुलामी, जैसा मेरे एक साथी ने बोला कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब ये आजादी का आंदोलन शुरू किया, उस वक्त देश में दो आजादी के आंदोलन चल रहे थे। एक आजादी का आंदोलन अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से, आजादी का आंदोलन जिसमें गांधी नेहरू जिन्ना जैसे सोयो अंतरराष्ट्रीय ख्याति के नेता और उनके साथ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता एक ऐसा आंदोलन लड़ रहे थे कि अंग्रेजों के हाथ से 200 साल की गुलामी खत्म होके सत्ता इन लोगों के हाथ में आ जाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उस अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी से आजादी के आंदोलन में कहीं भी दलितों की आजादी की चर्चा हुई? क्या उस पूरे आंदोलन में कहीं दलितों, अछूतों, शूद्रों के अधिकार के बारे में कभी चर्चा हुई? नहीं हुई। देश की आधी जनसंख्या महिलाएं, क्या उस पूरे आजादी के आंदोलन में इस देश की महिलाओं की आजादी की बात हुई? नहीं हुई। किसी भी जाति धर्म की महिला क्यों ना हो, अगर वो जवानी में भी विधवा हो जाती थी तो उसको दूसरी शादी करने का हक नहीं था। अगर उसका पति कितना ही क्रूर क्यों ना हो, जालिम क्यों ना हो, शराब पी के पत्नी को कितना ही क्यों ना मारता हो, उसके बाद भी उस औरत को अपने उस क्रूर जालिम पति से तलाक का हक नहीं था। अगर पति उसको छोड़ दे बेसहारा, उसको गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। इस देश की महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में हक नहीं था। तो इस देश की आधी जनसंख्या महिलाएं, वो भी अछूतों की तरह लगभग 4000 साल से गुलाम थी। और इस देश के तमाम दलित पिछड़े, वो लोग भी लगभग 4000 साल से गुलाम थे। इन सारे संख्या को अगर जोड़ लिया जाए तो ये देश का लगभग 90% बैठता है। तो ये जो 200 साल की अंग्रेजी की गुलामी से आजादी का आंदोलन जो चला, इस पूरे आजादी के आंदोलन के अंदर दलितों और महिलाओं की आजादी की बात नहीं है, पिछड़ों की आजादी की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और आजादी का आंदोलन चल रहा था, जो 4000 साल से दलितों, पिछड़ों, महिलाओं की आजादी का आंदोलन अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चंद साथियों के साथ लड़ रहे थे। इस आंदोलन में एक बड़ी खूबसूरती थी, ये जो अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन चला, इसमें तमाम तरह के औजार हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की जान गई। लेकिन ये जो 4000 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेके चले, आपको जान के खुशी होगी और ताजुब होगा, इसमें ना तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसी औजार हथियार का इस्तेमाल किया और ना ही इसमें किसी की जान गई, ना किसी का खून बहाया। अपनी विद्वता से, अपनी कलम से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश की 90% जनता को 4000 साल की गुलामी से आजादी दिला दी। लेकिन उस आजादी के बाद हुआ क्या, उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस देश की खेती की भूमि में क्या हमारा कोई हिस्सा है? हमारे लोग तो ज्यादातर खेती और मजदूर है ना, खेती की जमीन के मालिक तो नहीं है। इस देश में जितने भी उद्योग धंधे हैं, क्या उसमें हमारे समाज का कोई हिस्सा है? नहीं है। इस देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जहां लाखों करोड़ रुपए पैदा होता है, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की खानें, लोहे की खान, सोने की खान, पत्थर की खान,
और नदियों से होने वाला उत्खनन, पर्वतों से होने वाला उत्खनन, खनिज पदार्थों की खानों से होने वाला उत्खनन, जिससे लाखों करोड़ रुपए पैदा होता है, क्या उसमें हमारा कहीं कोई हिस्सा है? तो इस देश में, इस देश का मूल निवासी होने के बावजूद हमारे पास है क्या? हमारे पास धर्म शास्त्रों के आधार पर जो बंदिश लगाई गई पढ़ाई पर, संपत्ति अर्जित करने पर, और एक चीज तय कर दी, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा काम केवल सेवा करना है। ये तो धन्नो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने हमें 4000 साल की गुलामी से आजादी दिलाकर भारत के संविधान की रचना करते वक्त हमको मौलिक अधिकार दे के और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करके, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे रास्ते खोल के, सरकारी नौकरियों में हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल के, हमें कम से कम इस लायक बना दिया कि हमारे लोग फोर्थ क्लास की नौकरी में आए, धीरे धीरे नौकरियों में आए, फिर हमारे IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, टीचर्स बने, तो धीरे धीरे हमारी समाज की तरक्की शुरू हुई। लेकिन जैसे ही ये तरक्की शुरू हुई, जैसे हम लोग गांव से निकल के शहरों में आके धीरे धीरे तरक्की के रास्ते, तरक्की में अपना हिस्सा लेने लगे, यहीं से एक दूसरी शुरुआत हो गई। पता नहीं आप लोग उस पर सोचते या नहीं सोचते, दूसरी शुरुआत उन लोगों ने की जिन लोगों ने हमें बड़े छल कपट के द्वारा गुलाम बनाया, जिन लोगों ने हमारे सारे हक छीन लिए, उन्होंने फिर दोबारा छल कपट किया। क्योंकि अब से 45-50 साल पहले पब्लिक स्कूल नहीं होते थे, बच्चे चाहे गरीब के हों, बच्चे चाहे अमीर के हों, बच्चे चाहे जज के, कलेक्टर के हों, बच्चे चाहे चपरासी और मजदूर के हों, कम से कम सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और टीचर ज्यादा से ज्यादा अगर पक्षपात करता था तो हमारे बच्चों को उठा के पीछे बिठा देता था, अपने बच्चों को आगे बिठा लेता था, लेकिन कम से कम ब्लैक बोर्ड पे चौक लेके पढ़ाता तो एक जैसा था, उसमें कम से कम हमारे बच्चों को भी, जो बच्चे सीखना चाहते थे, जिनमें प्रतिभा थी, ऐसे बच्चे हमारे आगे निकले, वो जज बने, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो IAS बने, वो IPS बने, और धीरे धीरे समाज का आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया। लेकिन लगभग अब से 45-50 साल पहले जब उन्होंने देखा कि ये लोग जो काम के बदले में कभी पैसे नहीं मांगते थे, जो हजारों साल से हमारे गुलाम थे, जो कभी अपनी जुबान नहीं खोलते थे, वो लोग आज अपना हक मांगने लगे हैं, वो काम के बदले में तनख्वाह मांगने लगे हैं, आखिर इनके पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई? तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये ताकत जो आई है, इनके शिक्षा के रास्ते खुलने से इनको ज्ञान मिल गया, और सरकारी नौकरियां मिलने से धीरे धीरे तरक्की इनके घर तक पहुंचनी शुरू हुई है। तो उन्होंने प्लान कर लिया कि भाई ऐसे तो ये समाज अब दोबारा हमारा गुलाम नहीं बनेगा। बाबा साहब इतना बड़ा हथियार दे गए, वोट का अधिकार, और वोट के अधिकार के तहत प्रजातंत्र में वोट की कीमत है, वोट लेना है तो फिर इनका पढ़ना लिखना कैसे बंद करें, वोट लेना है तो इनका रिजर्वेशन कैसे खत्म करें। चूंकि बाबा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ द वोट के अधिकार पे संविधान सभा में चर्चा हुई, तो कुछ लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे करने वालों को मिलना चाहिए। जरा सोच के देखिए, अगर वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिला होता, अगर वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे करने वालों को मिला होता, या वोट का अधिकार केवल बड़े बड़े जमींदारों को मिला होता, तो आज हमारे समाज की स्थिति क्या होती? क्या कोई नेता आज हमारे हितों पर, हमारे इंटरेस्ट पे कभी चर्चा करता? क्या कोई नेता हमारे घर पे हाथ जोड़ के आता? क्या हमारी ये स्थिति जो थोड़ी बहुत सुधरी है बन पाती? तो ये वोट की वजह से, चूंकि बाबा साहब ने सबको उनकी सबकी दलीलें खारिज करते हुए सबके लिए एक वोट का अधिकार लिया, और उसमें वन वोट वन मैन वन वोट वन वेट वन वैल्यू, यानी सभी की वोट की कीमत बराबर। अब चूंकि वोट चाहिए, तो जो हजारों साल से जिनको गुलाम बना के रखा, जिनका सब कुछ छीना, अब उनके पढ़ने के रास्ते कैसे बंद करें, अब उनका नौकरियों में आना कैसे बंद करें,
प्रजातंत्र में तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने बड़ा छल कपट से दूसरा रास्ता निकाल लिया और वो रास्ता ये निकाला, उन्होंने धीरे धीरे पब्लिक स्कूल खोलने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पब्लिक स्कूलों की बाढ़ आती चली गई और सरकारी स्कूलों को जानबूझकर बर्बाद कर दिया। और पब्लिक स्कूल के अंदर जो मीडियम दर्जे के पब्लिक स्कूल है, बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मीडियम दर्जे के पब्लिक स्कूल है उसमें अगर एक बच्चे की महीने की फीस, उसकी किताबों का खर्च, उसके वर्दी का खर्च, उसका आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्च, इस सब को अगर जोड़ दे तो मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाई पे खर्च आता है लगभग 8,000 रुपये महीना। और कोई भी मुझे बता दे जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वो घर पे अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़वाते? ट्यूशन का भी खर्च जोड़ लो तो एक बच्चे की पढ़ाई पे मीडियम दर्जे के पब्लिक स्कूल में कम से कम 8 से 10,000 रुपये महीना खर्च आता है। और हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे की पढ़ाई का खर्च कितना हुआ? 15 से 20,000 के बीच। और हमारे समाज की स्थिति है कि पूरे परिवार की इनकम 20,000 नहीं है, किसी के घर में 10,000, किसी के 15,000, किसी के 12,000। चूंकि सरकारी नौकरियां तो थोड़ी सी रह गई, जो सरकारी नौकरियों में नहीं जा पाए वो मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और उनको 10-12-15,000 रुपये मुश्किल से मिल पाता है, तो वो तो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। वो कहाँ पढ़ाएंगे? वो पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों को जानबूझकर उन्होंने बर्बाद कर दिया, जानबूझकर कमजोर कर दिया। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, उसके बाद उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब किसी भी बच्चे को फेल मत करो, पहली से आठवीं तक ऐसे ही पास कर दो। जब वो पहली से आठवीं तक ऐसे ही पास हो जाएगा, कुछ सीखेगा ही नहीं, बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन तक लिखना नहीं सीख पाया, आठवीं तक ऐसे ही पास हो जाता है, नौवीं में कानून बना दिया जो बच्चा नौवीं में 2 बार फेल हो जाए इसे स्कूल से निकाल दो। तो वो तो फेल ही होएगा, सीखा तो कुछ ही नहीं, पास तो ही नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों का भविष्य क्या है? ऐसे बच्चे क्या बनेंगे? क्या वो कोई एग्जाम पास कर सकेंगे? क्या वो नौकरियों में आ सकेंगे? क्या वो इस लायक आ हो सकेंगे कि सरकारी छोड़े प्राइवेट में भी कोई उन्हें ले ले? वो किसी लायक नहीं बनेंगे। ऐसा लगता है जैसे सरकारी स्कूलों को उन्होंने मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दिया हो। और ये जानबूझ के सोची समझी चाल के तहत किया, क्योंकि उन्हें सस्ते मजदूरों की जरूरत है और वो सस्ता मजदूर हमारे समाज के अंदर पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे समाज को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। उन्होंने केवल सरकारी स्कूलों को बर्बाद नहीं किया बल्कि उन्होंने सरकारी कॉलेजों को भी बर्बाद किया। एक एक करके उन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, मैनेजमेंट कॉलेज खोल दिए, मेडिकल कॉलेज खोल दिए। और आज आप दिल्ली से किसी भी नेशनल हाईवे पे पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, बेटा थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, शांत कर दूंगा, शांत बैठो। उन कॉलेजों में 1 साल की फीस इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज 1 साल की फीस कई कई लाख रुपया है, और मेडिकल कॉलेज में तो 20-25-30-40-50 लाख रुपया फीस है। तो क्या हमारे बच्चे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ पाएंगे? क्या इतना पैसा हमारे पास है? तो इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो हमारे शिक्षा के रास्ते को बंद करके लगभग हमारे शिक्षा प्राप्त करने को, मतलब हमसे लगभग शिक्षा को छीन लिया। हमारे तरक्की के रास्ते 2 चीजों से खुले हैं। पहला रास्ता बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिलवा के शिक्षा से खुलवाया, वो इन्होंने बंद कर दिया। दूसरा जो बाबा साहब के सेपरेट इलेक्टोरल की जो उन्होंने मांग की थी, जिसके खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे, उस मजबूरी में बाबा साहब को समझौता करना पड़ा 24 सितंबर 1932 को, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, उसके बदले में जो जबरदस्ती हमें आरक्षण मिला, कम से कम उस आरक्षण की वजह से नौकरियां लगनी शुरू हुई थी। तो एक तरफ तो उन्होंने एजुकेशन बर्बाद कर दी हमारी, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सरकारी संस्थानों को बेचना शुरू कर दिया। और जो जो सरकारी संस्थान बेच दिए, 1 साल के अंदर जितने शुल्क वहां
नौकरियों में थे, हम सबको बाहर निकाल दिया। और पिछले से पिछले पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने बैन कर दिया। आज हमारे लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, जहां पहले हजार हजार वैकेंसी निकलती थी वहां एक दो वैकेंसी निकलती है, और उस एक दो वैकेंसी के लिए भी हमारे समाज के हजारों और लाखों क्वालिफाइड बच्चे खड़े हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, और इन्होंने जो ठेकेदारी प्रथा चालू की है, जो आउटसोर्सिंग शुरू की है, इस ठेकेदारी प्रथा के चालू हो जाने की वजह से हमारी सरकारी नौकरियां धीरे धीरे हमसे छिन गई है। यानी कि हमारे समाज के तरक्की के रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया है। और तो और ये लोग जानबूझ के कोर्ट में PIL डलवाते हैं, सारी बात पहले हो जाती है, सरकार की तरफ से वकीलों को भी समझा दिया जाता है, और वो ढंग से कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करते, कोर्ट के जजों को कन्विंस नहीं करते, इस तरह की आर्गुमेंट करते हैं कि कोर्ट के माध्यम से हमारे समाज के खिलाफ ऑर्डर पास करवा लेते हैं। जैसा आपको याद होगा, अभी 20 मार्च को जो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के ऊपर जो कोर्ट का निर्णय आया, जब उस कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी, तो केंद्र सरकार के वकील और महाराष्ट्र सरकार के वकील जब बहस कर रहे थे, और उनसे सुप्रीम कोर्ट के जज, जो दो जज बेंच थी, उन्होंने जब पूछा कि क्या इस कानून का दुरुपयोग होता है, तो सरकारी वकीलों ने कोर्ट को यह बताने की बजाय कि गवाहों को तोड़ लिया जाता है, डरा धमका दिया जाता है, गवाहों को सुरक्षा मुहैया नहीं की जाती, सरकारें ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, चार्जशीट टाइम से दाखिल नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जानबूझ के ठीक से नहीं करती, और जानबूझ के केस कमजोर बना के कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं, गवाहों को डरा धमका के तोड़ लिया जाता है, इस वजह से ये सारे केस बरी हो जाते हैं, कन्विक्शन रेट कम हो रहा है। ये बात कोर्ट को सरकारी वकीलों को बतानी चाहिए थी, लेकिन ये बात बताने की बजाय सरकारी वकीलों ने कोर्ट ने जो क्वेरी की कि क्या इस कानून का दुरुपयोग होता है, उन्होंने हाँ में हाँ मिला के कहा हाँ इस कानून का दुरुपयोग होता है। और साथ में सरकारी वकीलों ने कहा कि इसको केवल एक केस के तौर पर ना लिया जाए, बल्कि एक परमानेंट ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिसमें इस एक्ट का दुरुपयोग ना हो सके, और कोर्ट ने जजमेंट दे दी। कोर्ट ने तीन ऐसी खतरनाक शर्त लगा दी जिससे SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लगभग बर्बाद हो गया, लगभग पूरी तरह डाइल्यूट हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, अब इस एक्ट का कोई ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो तीन खतरनाक शर्त क्या लगाई, पहली तो ये लगा दी कि अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति जिस पे जुल्म हुआ है, अगर वो कंप्लेंट कराने दर्ज आता है, FIR दर्ज कराने आता है, तो उसकी मुकदमा दर्ज ना किया जाए, पहले DSP रैंक का अधिकारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अगर लगता है कि हाँ जुर्म हुआ है, उसके बाद मुकदमा दर्ज करे। दूसरी शर्त ये लगा दी कि ऐसे मुजरिम को किसी को भी पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, अरेस्ट करने से पहले अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से परमिशन ले अरेस्ट करने की, और अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो एरिया के SSP से अरेस्ट करने की परमिशन ले। अब कितनी परमिशन अरेस्ट करने की मिलने की आप अंदाजा लगा सकते हैं, उनकी अप्रोच कितनी जबरदस्त है, हमारे लोगों की कितने अप्रोच आप जानते हैं। तो ये जो दो शर्त थी, इसमें पहले पहली शर्त की बात कर लो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे पहले तो DSP 2-3 महीने चक्कर कटाता रहेगा, जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है, उसके बाद तो फर्जी गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे कि भाई ऐसी कोई घटना एट्रोसिटी की नहीं हुई, और केस को बंद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब एट्रोसिटीज एक्ट को कोर्ट के इस जजमेंट के बाद से लगभग खत्म कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा के रास्ते इन्होंने हमारे बंद कर दिए, सरकारी नौकरी के रास्ते इन्होंने हमारे बंद कर दिए, और आरक्षण पे जो पिछले दिनों कोर्ट की जजमेंट आई है, प्रमोशन में रिजर्वेशन इन्होंने खत्म कर दिया, प्रमोशन तो छोड़िए एंट्री लेवल पे भी रिजर्वेशन में इन्होंने रोस्टर पॉइंट ऐसा बना दिया कि पहली 6 सीटें जनरल को जाएंगी, 7 SC को जाएगी, वैकेंसी 6 निकालो, और वो भी डिपार्टमेंट वाइज कर दी कि डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होगा। अब किसी भी डिपार्टमेंट में आप 6 से ज्यादा वैकेंसी मत बनाओ, SC कभी आएगा ही नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, खेती की जमीन इस देश में हमारे पास नहीं है, उद्योग धंधे इस देश में हमारे पास नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, पढ़ाई लिखाई हमारी छीन ली, सरकारी नौकरियां हमारी छीन ली,
यानी हमारे समाज के आगे बढ़ने के लगभग सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। क्या ये हमें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दोबारा गुलाम बनना पसंद करोगे? आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे गुलाम बनने को तैयार हो। क्या दोबारा गुलाम बनना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना, तो अब संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस तरह की सभाएं हर गली मोहल्ले में करनी पड़ेंगी और त्याग के लिए तैयार होना पड़ेगा, कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या तुम लोग तैयार हो? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत मशक्कत से, बड़ी काबिलियत से अपने पूरा जीवन लगा के हमें 4000 साल की गुलामी से आजादी दिलाई, और जिस मिशन मूवमेंट को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेके चले, उनके बाद उसी मिशन मूवमेंट को बुद्ध प्रिय मौर्य लेके चले, और मौर्य जी के बाद उसी मिशन मूवमेंट को साहब मानवर कांशीराम जी लेके चले। लेकिन एक कड़वा सच समझ लेना, मानवर कांशीराम जी के जाने के बाद उस मिशन मूवमेंट को चलने वाला कोई ईमानदार सिपाही नहीं है हमारे पास। गलत तो नहीं कह रहा मैं? क्या कोई ईमानदार हमारा नेता है राष्ट्रीय स्तर पे जो बाबा साहेब के उस सिद्धांत, उस मिशन को, जिस मिशन मूवमेंट को बाबा साहेब के बाद मौर्य जी लेके चले, और मौर्य जी के बाद साहब मानवर कांशीराम जी लेके चले, क्या उस ईमानदार, उस पवित्रता के साथ, उसी सिद्धत के साथ उस मिशन मूवमेंट को कोई लेके चल रहा है? लेकिन चलना तो पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दोबारा आने वाले नहीं है, बाबा साहब वापस नहीं आएंगे उतर के कि वो इस मोशन मूवमेंट को दोबारा चलाएं। मौर्य जी भी आने वाले नहीं है, कांशीराम जी भी आने वाले नहीं है, लेकिन हमें तुम्हें अपने अंदर से बाबा साहब निकालने होंगे, अपने अंदर से कांशीराम जी पैदा करने होंगे, अपने अंदर से बीपी मौर्य जी पैदा करने होंगे, और कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अपने समाज को बचा के रख सकते हैं, उसके बाद ही हम अपने अपने समाज को सुरक्षित मजबूत रख सकते हैं, अपने स्वाभिमान की सुरक्षा कर सकते हैं, वरना वो दिन दूर नहीं जब दोबारा हमारा समाज गुलाम बन जाएगा। आप खुद सोच के देख लो, जब हमारे बुजुर्ग यहाँ शहरों में आए, बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद उन्होंने 50 गज 100 गज 200 गज के प्लॉट लिए, जो 200 गज का प्लॉट था वो 50 बचाए, जो 50 था वो बेच के वापस गांव में चला गया, और हमारी सारी बर्बादी वो लोग तो कर ही रहे हैं, हमारे खुद के बीच में जो ये नशा बस चुका है, ये नशा भी हमें बर्बाद कर रहा है। हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चों को नशे से दूर रखना पड़ेगा, और जो लोग खुद नशा करते हैं उन्हें नशा छोड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बाद में सोचने के लिए भी समय नहीं बचेगा, सोचने के लिए भी समय नहीं बचेगा, समय बहुत कम है। मैं बता रहा हूं, ये कुर्सी आनी जानी है, मैं आज बेशक सरकार में मंत्री हूं, और वो भी इसलिए मेरा मन वहां है क्योंकि वहां शिक्षा पे सुधार पे काम हो रहा है, स्कूलों के सुधार पे काम हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पे काम हो रहा है, मिनिमम वेज को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति से समाज मजबूत नहीं होगा, जिसका समाज मजबूत होता है उसकी राजनीति मजबूत होती है। लोग बाबा साहेब की उस बात को बोलते हैं, कांशीराम साहब की उस बात को बोलते हैं कि राजनीति वो चाबी है जो सोता लोग चौक खोल देती है, वो मास्टर की है, और लोगों ने राजनीति पे कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आई कि इतनी भारी भरकम मजबूत चाबी घुमाने के लिए एक मजबूत ग्रिप चाहिए, और वो मजबूत ग्रिप होती है मजबूत समाज। इसलिए मजबूत समाज का निर्माण करना पड़ेगा। राजनीति तो आनी जानी है, रोज नई नई पार्टियां बनती हैं, टूटती हैं, MLA MP बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, मंत्री कितने आए कितने चले गए, ये परमानेंट नहीं है। तो निश्चित तौर पर जानिए, कुर्सी तो 100% जाएगी। मैं तो खुद एक मंत्री होकर बता रहा हूँ आपको, मुझे कुर्सी से इतना सा भी प्यार नहीं है, कल जाती है तो आज चली जाए। लेकिन अगर मैं अपने समाज के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाया, अपने समाज के आंदोलन को मैं नहीं लड़ पाया, तो लानत है मेरे मंत्री बनने पर, लानत है मेरे पैदा होने पर, मर जाना बेहतर है। ऐसे MLAs को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे MPओं को गिरिबान पकड़ के घर से बाहर निकालना पड़ेगा, जो जाते तो जीत के रिजर्व सीट से हैं, लेकिन वहां जाने के बाद समाज के दुख दर्द पर चर्चा तक नहीं करते। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज खतरे में है, आज पूरा देश खतरे में है, आज संविधान खतरे में है, आज वो मनुवादी ताकतें जिन्होंने हमें गुलाम बनाया दोबारा से बहुत ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रही हैं, भारत के संविधान की भी परवाह नहीं कर रही हैं, एन के एन प्रकार
वो पूरे देश पे कब्जा करते जा रहे हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उन पे कब्जा करते जा रहे हैं। एक एक करके वो उठा के देखिए घटनाएं, चाहे दुलीना कांड हो हरियाणा का, चाहे झज्जर का, चाहे गोहाना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो, चाहे ऊना का कांड हो गुजरात का, तो सिंदूर कांड हो, चाहे हस्तिनापुर कांड हो यूपी का, जितनी भी हत्याएं या सहारनपुर का हो, हमारे लोगों तो गाली मुझे मूली गाजर की तरह काट देते हैं। बहनों की इज्जत लूटते हैं तो उन्हें जरा सा एहसास भी नहीं है कि हमारे साथ कर क्या रहे हैं। और सत्ता में बैठे हुए लोग हमारी हत्याओं पे मतलब आवाज तक बुलंद नहीं करते। और तो और हत्या हमारे समाज की होगी तो हमारे ही समाज के एमपी एमएलए या पार्टी के हमारे समाज के जो भी वही प्रदर्शन करें। भाई जब प्रदर्शन होते हैं हम लोग उसमें शामिल होते हैं ना, तो हमारे समाज की होने वाली हत्याओं के विरोध में, हमारे समाज के जो घर जलाए जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है भाइयों को, उसके विरोध में क्या सबको खड़ा होकर आंदोलन नहीं करना चाहिए? क्या हमारी लड़ाई को हम केवल हम ही लड़े और तुम्हारी लड़ाई को भी हम ही लड़े? इतने मूर्ख नहीं है अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं है। हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने समाज को दोबारा गुलाम हम किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लास्ट में एक योजना के बारे में सूचना देके अपनी बात खत्म करूंगा। जब मैं मंत्री बना तो हमारे समाज के बहुत सारे युवक और युवतियां मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर हम लोग भी बड़े बड़े सपने देखते हैं, सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप गरीब हैं, इसलिए हम अपने सपने साकार नहीं कर पा रहे। मैंने कहा बच्चों थोड़ा खोल के बताओ कहना क्या चाहते हो। बच्चों ने कहा कि सर आजकल अगर कोई आईएएस बनना चाहे, आईपीएस बनना चाहे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करना चाहे, जज बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, तो उसका जो एग्जाम होता है वो एग्जाम इस तरह डिजाइन किया जा रहा है जो बच्चे कोचिंग लेते हैं केवल वही पास होते हैं। और कोचिंग की फीस इतनी ज़्यादा महंगी है, हमारे माँ बाप गरीब हैं, वो कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते। तो आप हमारे सरकार के मंत्री हो, हमारे समाज के मंत्री हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या हमें सपने देखने का हक नहीं है? क्या हमारे सपने साकार नहीं होने चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल होने चाहिए। उसके तुरंत बाद मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से बात की और एक स्कीम बनाई, मेरे खुद के दिल की और दिमाग की उपज थी। मैंने स्कीम बनाई, उस स्कीम को नाम दिया जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसमें सिविल सर्विसेज की कोचिंग को आईएएस बनना चाहे, आईपीएस बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, जज बनना चाहे, ग्रुप ए की सर्विस प्राप्त करना चाहे, ग्रुप बी की करना चाहे, दिल्ली के जाने माने इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को हम कोचिंग कराएंगे, दिल्ली की सरकार पैसे देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए हमने एक टाइटल दिया, अगर प्रतिभा है तो गरीबी बाधा नहीं बनेगी, दिल्ली की सरकार आपके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस साल 5000 बच्चों का कोचिंग के लिए एडमिशन होना है, बजट हमने कर दिया है, बहुत जल्दी प्रोसेस दोबारा शुरू हो रहा है। तो आप लोग इतना जरूर करें, जो बच्चे ये कोचिंग लेना चाहते हैं, जो जज बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी की कोचिंग लेना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को हमारे पास भेजिएगा, हम उनको कोचिंग कराएंगे, उनके सपनों को साकार करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। और इसके साथ साथ कुर्सी रहे ना रहे, बाबा साहेब को उस मिशन मूवमेंट को लेकर चलने का हमने संकल्प कर दिया, चाहे उसके लिए अपना घर त्यागना पड़े, चाहे उसके लिए सारी कुर्सी त्यागनी पड़े, क्योंकि मिशन मूवमेंट जिंदा रहेगा तो हम जिंदे रहेंगे। मिशन मूवमेंट खत्म हो गया फिर मंत्री मंत्री एमएलए बन के कोई, ये सब खत्म अपने आप हो जाना है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो साथियों आप सब लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, यहाँ बुला के सम्मान किया, मुझे अवसर दिया बोलने का, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मैं एक प्रोग्राम से आया हूँ, यहाँ आया, यहाँ के बाद दूसरे प्रोग्राम में, अगले में जाना है, तीसरे में, सुबह से रोज रात को 11-12 बजे तक मेरा यही दिनचर्या है। और बस मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि मिशन मूवमेंट हमें और आपको मिलकर चलाना, कोई और ऊपर से उतर के आने वाला नहीं है, अपना पूरा जीवन इसमें लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय।